दोस्तों, लोशो ग्रिड की इस श्रृंखला के तहत हमने काफी वीडियो बनाई हैं और लोगों ने उसे बहुत अच्छा पसंद करा। दोस्तों, मैं अगर ईश्वर ने मुझे कुछ दिया है तो मैं चाहता हूं कि जन्म का और मरण का किसी को कुछ नहीं पता होता। जो मेरे पास है मैं इस संसार को बांट सकूं। अगर ईश्वर ने मुझे कोई शक्ति दी है और उस शक्ति को मैं अगर आपको देता हूं, बांटता हूं, अगर आप उसका कल्याण रूपी सदुपयोग करते हैं, विस्तार करते हैं, तो मुझे ही प्रसन्नता होगी और जिसने मुझे शक्ति दी उसे ही प्रसन्नता होगी। दोस्तों, ज्ञान को हमेशा बांटना चाहिए। जो जितनी बांटोगे वो चीज उतनी बढ़ेगी आपके अंदर। अगर कुछ मैंने देखा है, कुछ लोग संकुचित स्वभाव के होते हैं, ज्ञान को बांटना नहीं चाहते या किसी चीज को देना नहीं चाहते, तो दोस्तों वहीं तक सीमित हो जाते हैं। तो इसी कड़ी के तहत मैं आज आपको एक कुआं नंबर के बारे में बता रहा हूं। कुआं नंबर क्या है? लोशो ग्रिड के अंदर कुएं नंबर का एक बहुत बड़ा महत्व है। दोस्तों, कुआं नंबर ऐसा समझो जैसे ईश्वर का वरदान, लक्की नंबर। यदि आपको अपने रूटीन में, टाइम में किसी तरह की भी कोई परेशानी महसूस कर रहे हो, आप अपना कुआं नंबर अपने लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड से कलाई पे उस नंबर को लिख लीजिए। उस नंबर को लिखने के बाद आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए एक मिनट की, और आप ये देखना कि आपका वो दिन कितना अच्छा और उज्जवल जाएगा, और आप ये कहेंगे कि वास्तव में आज मेरे पे ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा रही। दोस्तों, ईश्वर रूपी शक्ति समय समय पे हमें बहुत कुछ बांटता है, हम उसे समझ नहीं पाते। वो तो हमें बांटने को और देने को कल्याण के लिए तत्पर रहता है, हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते। मैं उसी कड़ी के तहत आपको ये बताना चाहता हूं कि अब मैं लोशो ग्रिड के अंदर एक कुआं नंबर होता है, जिसके तहत आप ये सब जान सकते हैं कि इस कुएं के नंबर के होने से और इसका इस्तेमाल करने से हमें कितना फायदा हो सकता है। दोस्तों, इस कुआं नंबर के बारे में आप जानिए। दोस्तों, कुआं नंबर क्या होता है? हमारा जिस सदी में हमारा जन्म हुआ, जिस साल हमारा जन्म हुआ, ये उससे रिलेटेड होता है। स्पोर्ट्स इसी सज्जन का जन्म जो डेट ऑफ बर्थ रखी है, देखिए मैंने एक ही डेट ऑफ बर्थ ली, अगर मैं दो लेता तो आप कंफ्यूज हो जाते। अब इसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना नंबर निकालना सारे के सारे। फिर भी कोई परेशानी है तो आप मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। 1964 डेट ऑफ बर्थ है। अब इसके अंदर 1, 9, 10 और 6, 16 और 4, 20, ये देखिए टोटल क्या आ गया, 20 अंक क्या आ गया, 2 = 2। अब इस कुआ नंबर में 2 का बहुत बड़ा महत्व है, समझे दोस्त। अब 2 नंबर से कुआ नंबर कैसे निकले? कुआ नंबर निकालने के एक स्टैंडर्ड सिस्टम है, 11, 1 + 1। एक नंबर ईश्वर का होता है, हम 11 में से -2 को प्लस कर देंगे तो इस व्यक्ति का कुआ नंबर आ जाएगा 9। अगर ये सज्जन अपने हाथ से, राइट हैंड से, अपने राइट हैंड के मनी बंद पे, या 2 नंबर किसका होता है? चंद्रमा का। चंद्रमा की कौन सी उंगली होती है? छोटी वाली, या छोटी वाली उंगली के नीचे लिख सकता है, या वो कलाई पे लिख सकता है। 2 नंबर लिख के और ईश्वर का नाम लेके वो पूरा दिन अपना व्यतीत करे, इतना सफल दिन बीतेगा, उसे हर काम में, हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता मिलेगी। दोस्तों, ये बात तो हमने बताई एक मेल के लिए। अब आती है बात, अगर इन केस ये मेल ना होकर फीमेल होती, हमने ये डेट ऑफ बर्थ ले लिया, क्योंकि दूसरी डेट ऑफ बर्थ लिखने से कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए बार बार डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल रहा। अगर इन केस डेट ऑफ बर्थ यहां पे ये सेम है, यहां आ गया, हम फीमेल के कुआ नंबर में जिस तरह से 11 नंबर ईश्वर का है, ऐसे ही 4 नंबर फीमेल के लिए होता है। राहु, इस 4 नंबर को हम इस नंबर में जोड़ देंगे, 4 + 2, इसका क्या आ गया? 6। अगर ये फीमेल है तो उसका कुआ नंबर हो गया 6, और वो 6 नंबर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे लिखती है तो उसकी हर समस्या का समाधान हो जाता है। दोस्तों, मैंने आपको विस्तार से आपको कुआ नंबर के बारे में, पर्सनल ईयर के बारे में, और पर्सनल मंथ के बारे में, और पर्सनल डेट के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप कुआ नंबर पर विशेष ध्यान दें। कुआ नंबर पर विशेष ध्यान देने से आपका जीवन सुधरेगा, आप पे कोई परेशानी आ रही है वो समस्या हल होगी, आपको मन में शांति मिलेगी। मैं इसी कड़ी के तहत आगे आपसे चर्चा करता रहूंगा।